देश भर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में नीमच जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा व जिला पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार व थाना प्रभारी निकले पैदल पैदल नगर में औचक निरीक्षण पर। कुकड़ेश्वर नगर में लगभग 15 स्थानों पर भगवान श्री गणेश जी की स्थापना की हुई है, जहां प्रतिदिन सायं 7 बजे के बाद आरतियां की जाती हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से व सौहार्द के साथ 10 दिवसीय आयोजन गणेश चतुर्थी से अनंत चौदस तक मनाया जाए, इस हेतु तहसील टप्पा कुकड़ेश्वर के नायब तहसीलदार नवीन छलोत्रे व कुकड़ेश्वर पुलिस थाने के थाना प्रभारी राधेश्याम दांगी सायं 7 बजे से कुकड़ेश्वर नगर के सभी स्थलों पर पैदल निकले और हर पॉइंट पर पहुंचकर आयोजन स्थलों का जायजा लिया व आयोजन स्थल पर रात्रि में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी व समिति द्वारा बनाई गई सदस्यों व कार्यक्रमों की पंजी को चेक करके हस्ताक्षर किए। आयोजकों को निर्देशित किया कि आयोजन शासन के निर्देशानुसार व शांतिपूर्वक व सौहार्द के साथ मनाए, किसी भी प्रकार के व्यवधान न हो इसका पूरा ध्यान रखे। पैदल पैदल नगर के मुखर्जी चौक, भटवाड़ा मोहल्ला, चौधरी मोहल्ला, तंबोली चौक, आमंद रोड, वार्ड क्रमांक 1, रंगारा चौक, लोहार मोहल्ला, मीणा चौक, लालबाई फुलबाई मंदिर, खेड़ापति गणेश जी, हनुमंतिया रोड आदि जगह का औचक निरीक्षण किया व आरती में शामिल हुए। लगातार देखते रहिए आप हमारे साथ MP7 न्यूज।